Hello, students, how are you all? It's my request to all of you stay home and stay safe. Today, I am going to teach you liabilities. What is liabilities? Now, see, liabilities are obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. levities liabilities? ek debts? What is debts? पे करते हैं जो हम लोन लेते हैं किसी से उसे हम पे करते हैं तो उसे क्या कहेंगे डेप्ट कहेंगे हमारे इंटरप्राइजेस में जो भी जो भी हमें लोन या किसी भी डेप्स का हमें पे करना होता है फ्यूचर में उसे हम क्या कहेंगे लाइविस कहेंगे दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर क्लेम्स ऑन द फम्स एसेट्स अब हमने पैसा दिया पैसा लिया है किसी से तो वो हमारे फर्म्स के एसेट्स पे अपना क्लेम कर सकता है जैसे कि आपने देखा होगा आप कोई लोन लेने आते हो बैंक से तो वो आपको कुछ उसके बिहाब पे कुछ आपका गिरवी रखवाता है ओके तो अगर आप लोन नहीं देते हो तो वो उसको एक, एक्वायर कर लेता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्या है सनरी क्रेडिटर्स है बैंक लोन है अब लाइविटीज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स करेंट लाइविटीज एंड नॉन करंट लाइवीज

क्रेडिटर्स है आपका क्रेडिटर्स कौन होते हैं क्रेडिटर्स आपको पता ही है जिससे हम कोई भी गुड्स लेते हैं या किसी टाइप की मनी लेते हैं उधार पे उसको हम क्या कहेंगे क्रेडिटर्स कहेंगे हम विदिन ट्वेल्व मंथ तो इसे ट्वेल्व मंथ्स या एक साल के अंदर अंदर हमें पे करना है बिल्स पेबल जो हमने बिल बिल हमारे जो पे करने को रह गए हैं जिनको हमने पे नहीं करा है वो वो हमें भी ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर देना है ओके okay? उटस्टैंड एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस पेबल है, है।, मतलब क्या होता है? दुकान ले रखी है पे, तो पे हमने दुकान ले है, उस दुकान का रेंट है टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो आपने दो महीने का किराया अभी तक नहीं दिया तो 2000 है तो टू थाउजेंड के हिसाब से आपका फोर थाउजेंड आपका औटिंग हो गया जो आपको पे नहीं कराया आपने ओके तो वो चीज होती है आपकी आउटस्टैंड अब हम बात करेंगे आपका नॉन करेंट ऑब्लिगेशन और डेप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ वन ईयर या ट्वेल्व मंथ्स अब नॉन करेंट लाइविटीज वो पेमेंट्स होती हैं जो हम बिजनेस इंटरप्राइज के लिए करते हैं और वो एक साल के बाद ही करते हैं ठीक है एक साल की बात करते हैं एक साल से अंदर या वन ईयर के अंदर हम जो पेमेंट्स करते हैं उन्हें कहते है करेंट लाइविटीज और लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग बैंक लोन फॉर थ्री ईयर्स अब बैंक लोन हमें पे करना है थ्री ईयर्स में तो यह क्या हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुआ हमारा ये किसकी कैटेगरी में आएगा हमारा नॉन करेंट लाइविटीज के नाउ नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल अब कैपिटल के बारे में बात करेंगे हम कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म इज नॉन एज कैपिटल ये वो अमाउंट होती है जो कि ओनर देता है ओनर अपने बिजनेस में लगाता है ओके okay? उसे हम क्या कहेंगे कैपिटल कहेंगे जैसे आप हैं आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपने अपनी तरफ से जो भी पैसा लगा रखा है जो भी पैसा लगाया है वो क्या होगा आपका कैपिटल होगा अब जरूरी नहीं है आपने पैसा ही लगा आपने कोई एसेट्स भी लगा सकते हो जैसे फर्नीचर हो गया आपकी तरफ से आपकी तरफ से मशीनरी हो गई तो ये सब आपने किसी से उधार नहीं लिया है ये सब आपने अपने पैसों से कराए तो आप ओनर हो तो आपका ये सब क्या होगा कैपिटल होगा ओके okay? तो कैपिटल में भी ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स और बोथ बाय द ओनर जैसे कि मैंने अभी समझाया आप कैश भी दे सकते हो और एसेट्स भी दे सकते हो फॉर द बिजनेस एंटिटी कैपिटल एंड ऑब्लिगेशन एंड ए क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस अब कैपिटल जो है उसपे क्लेम कर सकता है ओनर ठीक है ओनर अपनी एसेट्स पे क्लेम कर सकता है कि मैंने इतना पैसा लगाया था इट इज देयर फॉर सो ऑन द लाइबिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ये लाइबिटी साइड में लिखते हैं हम बैलेंस शीट की ठीक है अब ये चैप्टर आपका एक चैप्टर लास्ट में आएगा ये क्लास इलेवेंथ में जो की नाम है जिसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओके okay? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मा है जिसमें दो साइड होती है लाइविटीज और एसेट्स लाइवीज आपको ये है ठीक है और ओ सॉरी एसेट्स आपकी ये हैं सब लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स कैश गुडविल ओके okay? और लाइब्रेटरीज साइड में क्या आता है आपका कैपिटल आता है देखो कैपिटल हमने पढ़ा था अभी कैपिटल हमारा लाइव होगा बैंक लोन होगा ये वही होते हैं जो हमें पे करें जैसे कि हमने अभी पढ़ा लाइब्रेटीज क्या होती है इसमें शॉर्ट करेंट लाइविटी नॉन करेंट लाइविटी सब आते हैं तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब हम चैप्टर हम पूरा करेंगे ओके okay? अब आते हैं मैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ ये है आपका ड्राइंग ड्राइंग क्या होता है समझो विद्रॉ ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग अब ड्राइंग का मीन्स क्या होता है ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से या तो मनी विड्रॉल करता है या तो मनी लेता है या किसी टाइप का गुड्स लेता है तो उसको अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो उसे ड्रॉइंग कहेंगे हम ओके फॉर एग्जाम्पल क्या है कैश विदड्रॉम फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर टू पे सन स्कूल फी और होम रेंट और टू परचेज स्कूटर फॉर पर्सनल यूज अब इसमें देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया है किस लिए लिया है अपने सन का स्कूल फीस जमा करने के लिए हाउस रेंट देने के लिए और स्कूटर परचेस किया अपने पर्सनल यूज के लिए तो जो भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन होगा वो क्या है वो ड्रॉइंग अकाउंटिंग के, के टर्म्स में ओके अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की नाउ सीधा टॉपिक एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर अब हमें हमने इसका मतलब ये है कि हमने जो मनी एक्सपेंड करी है जो भी मनी खर्च करी है ठीक है जो भी मनी हमने खर्च करी है तो वो किस लिए करिए किसी एक रेवेन्यू के लिए कोई एक बेनिफिट के लिए जो हमने भी पैसा खर्च करा है किसी एक रेवेन्यू के लिए वो क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर होगा ओके देखो फॉर एग्जाम्पल देखो पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ ऑफ गुड्स ऑफ फर्नीचर हमने ये सब परचेज करा है, तो ये सब क्या हुआ हमारा एक्सपेंडिचर हुआ हमने परचेस कर, पेमेंट करा रेंट को सैलरी करी पेमेंट और परचेस करा हमने गुड्स गुड्स क्या जैसे कि मशीनरी परचेस करी या फर्नीचर परचेस करा ओके द एक्सपेंडिचर आर विद विद्यू प्र व्यू पॉइंट दे वुड गिव बेनिफिट टू द बिजनेस ये क्या करते हैं हमारे बेनिफिट देते हैं हमारे बिजनेस को जैसे कि हम रेंट दे रहे हैं किसी हा। हाउस का रेंट दे रहे हैं या कि किसी शॉप का रेंट दे रहे हैं तो उससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है तो रेंट तो जाएगा ही सैलरी हम पेड पेड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को तो वो हमारे लिए काम भी तो कर रहे हैं इसलिए हम उसे पेड कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू से बन रहा है ओके कहा था बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर में एक्सटेंड अप टू वन अकाउंटिंग ईयर इंड मोर देन वन ईयर अब ये बेनिफिट हमें एक साल भी मिल सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में मिल सकता है या मेनी में मिल सकता है और अकाउंटिंग ईयर में मिल सकता है अब एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ सी इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज एक्जॉस्ट विद इन एयर इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हमारे बेनिफिट होते हैं एक्सपेंडिचर से ठीक है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में उसे हम क्या कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या है पेमेंट ऑफ सैलरी रेंट द सैलरी पेड इन द करेंट पीरियड विल नॉट बेनिफिट द बिजनेस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड अब ये क्या हुआ कि आपके जो इम्प्लॉयिज हैं आपके एम्प्लॉय ने जैसे कि आपको बताइए हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है थर्टी से थर्टी फर्स्ट मार्च होता है तो थर्टी फर्स्ट मार्च तक हमारे किसी ने काम करा है तो हमने थर्टी फर्स्ट मार्च तक पेमेंट दे दी है अब उसका बेनिफिट हमें कब तक होगा इस उसी अकाउंटिंग ईयर में होगा ना जो अकाउंटिंग ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च तक चल रहा है फर्स्ट अप्रैल से तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसमें क्या लिखा देखो दे विल है उसे हम अगले अगले सेशन अगले अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट तब करेंगे जब वो हमारे लिए काम करेगा हमें एडवांस में तो उसे पेमेंट कर नहीं सकते हैं जब तक हमें कोई प्रोफिट ही नहीं होगा उससे वो हमारे लिए काम ही नहीं करेगा तो हम पेमेंट करके क्या करेंगे ओके ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर से हमें फायदा होता है हमें रेवेन्यू होता है अब दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक से ज्यादा हमारा हमारा बिजनेस में दो साल चार साल ये बेनिफिट देंगे फॉर एग्जाम्पल क्या है परचेज और मशीनी फर्नीचर मशीनी फॉर फर्नीचर एक्वायर इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड विल गिव बेनिफिट फॉर मैनी अकाउंटिंग पीरियड टू कम अब हमने फर्नीचर लिया है या मशीनरी ली है तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल चलेगी वो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है जो हमारी फेक्स सेसेस होती है वो यही होती है मशीनरी और फर्नीचर तो ये सालों साल चलती है तो मशीनरी हमने एक बार परचेज कर लिया हमारा एक्सपेंडिचर हो गया मानते हैं मगर उससे बेनिफिट तो हम सालों साल लेंगे ना उससे प्रोडक्शन करेंगे फर्नीचर है उसका यूज करते रहेंगे हम तो इसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें एक से ज्यादा साल तक हमें रेवेन्यू देता रहता है हमें देता रहता है तो ये आप डीपली समझ गए होंगे तो आज हमने क्या पढ़ा हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रॉइंग्स होते हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए ओनर अपने अपने यूज के लिए निकालता है विद्रॉ करता है मनी या गुड्स कैपिटल होता है कैपिटल क्या होता है जो ओनर अपना अमाउंट या गुड्स या सर एसेट्स लगाता है जो भी कैश लगाता है एसेट्स लगाता है अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए उसे हम क्या कहेंगे कैपिटल कहेंगे और हमने क्या पढ़ा आज आज पढ़ा हमने लाइबिस लाइबिटीज क्या लाइबिटीज क्या होती है जो हमें पे करते हैं किसी को लाइविटी एक तरीके का उधार होता है जिसे हम पे करते हैं ये दो टाइप्स का होता है एक होता है करेंट लाइविटीज होता है नॉन करेंट लाइविटीजिस क्या होता है जो कि विद इन वन ईयर में हमें पे करना होता है नॉन करेंट डाइविटिस क्या होता है जो आफ्टर वन ईयर हमें पे करना होता है ओके okay? ऑफ्सो आप सब समझ गए होंगे अगर नहीं समझोगे तो ये वीडियो रिवाइंड कर लेना एक बार और समझ लेना ओके थैंक यू स्टूडेंट्स